अभी जिंदगी का क्या है कि एक संक्रमण काल में चल रही है, मतलब ट्रांजिशन फेज में चल रही है। तो अच्छी खासी नौकरी को लगभग तलाक दे के आया हूँ, और समझें क्या भला हम जिंदगी की साजिशें, और समझें क्या भला हम जिंदगी की साजिशें। पुष्कर भाई हैं, प्रदीप जी हैं, निदान जी हैं, और अमन भी आए थे शायद। अच्छा हाँ, तो इन सबको देख के काफ़ी हौसला मिलता है और लगता है कि हाँ करना चाहिए। तो और समझें क्या भला हम जिंदगी की साजिशें, चेहरे का नूर ही ले गई नौकरी की ख्वाहिशें। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि हम कभी किसी ढाबे पे या रेस्तरां पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें छोटे बच्चे काम करते हुए दिख जाते हैं। तो उसी अनुभव को मैंने कविता में समेटा है, भारत का भविष्य। उस रोज रास्ते से गुजर रहा था एक रेस्तरां पे रुका तो देखा मैंने। सर्द मौसम था, शीत लहर थी, बस एक गमछा लपेटे उसे देखा मैंने। नन्हे हाथों से मल रहा था बर्तन, वो भारत का भविष्य देखा मैंने। नन्हे हाथों से मल रहा था बर्तन, वो भारत का भविष्य देखा मैंने। एक बुझी सी चमक उसकी आंखों की और बुझा रहा था कोहरा, देखा मैंने। ठिठुरते कंप कपाते हाथों से चाय की प्याली दे रहा था, नंगे पांव ही उसे चलते देखा मैंने। नन्हे हाथों से मल रहा था बर्तन, वो भारत का भविष्य देखा मैंने। फटे कपड़ों से झांकती पसलियां, फटे ओंठों में कैद लफ्ज़, उसके अरमानों को झाग संग नाली में बहते देखा मैंने। नन्हे हाथों से मल रहा था बर्तन, वो भारत का भविष्य देखा मैंने। गंदे टेबलों को साफ करता ग्राहकों की गालियां सुनता एकांत में उसे सिसकते देखा मैंने। हवा का जैसे किसी ने दम घोट दिया हो उस हालात में उसे जीते देखा मैंने। नन्हे हाथों से मल रहा था बर्तन, वो भारत का भविष्य देखा मैंने। जो हाथ हर पल काम करते हैं उन हाथों की लकीरों को देखा मैंने सर्व शिक्षा अभियान की अर्थी को उठते देखा मैंने। नन्हे हाथों से मल रहा था बर्तन, वो भारत का भविष्य देखा मैंने।